राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। जैसे 84 लाख योनियां होती हैं और हमारे कर्मों के आधार पर हमें वो योनियां मिलती हैं, तो उन योनियों में क्या हमको पता होता है कि हमने ये कर्म किया था और हमें अभी ये योनि मिली है इस वजह से? जब हम यहाँ से वहाँ जाते हैं ना, तो वहाँ पे सब बताया जाता है कि आपने जो पाप किया है उस पाप के अनुसार आपको ये कष्ट मिलेगा। पर जब मिलने लग जाता है, जैसे अब कोई गधा बना है, तो गधे को पता नहीं कि हम किस पाप से गधे बने हैं, परंतु गधा बनने के पहले पूरा रिप्रेजेंट किया जाता है आपका पाप पुण्य आपके सामने, कि देखो आपने ये पाप किया है, आपने ये पाप किया है, ये पुण्य है तो पुण्य का फल भी मिलेगा, पाप का भी मिलेगा, तो वो बताया जाता है। पर जब आप भोगने लग जाते हैं तब याद नहीं रहता, जब भोग के जाते हैं फिर दोबारा। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी कि आपने बताया था सबसे लास्ट वाली जो योनी हमें मिलती है वो गाय की योनी मिलती है, तब हम सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, तो गाय की जो योनी मिलती है पर गाय को भी मतलब कष्ट तो मतलब सहने पड़ते हैं, वो भी बाहर की रोटी खाती हैं, हर गाय ऐसी नहीं होती कि उनको पाला जाता है, तो फिर पवित्र हो जाते हैं उसके बाद भी जो कष्ट उनको मिलते हैं? पवित्र हो जाने के बाद भी कुछ तो रह ही गया, तब तो गाय की योनी अंतिम योनी है ना, तो गाय सबसे पवित्र है। कोई पूजे गाय को ना पूजे, कोई रोटी दे ना दे, पर गाय अपने आप में तो माता है ही ना, तो वो पवित्र है, उसके दर्शन मात्र से हम पवित्र होते हैं, इसलिए वो पवित्र योनी है। अब वो पवित्र योनी है ये आवश्यक नहीं है कि कोई उसे रोटी दे या ना दे, वो अपने आप में पवित्र योनी में चली गई है, ये है। फिर उसके बाद सीधा अवसर मनुष्य का। धन्यवाद गुरु जी, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। घर में बहुत पाठ पूजा करते हुए भी मतलब अपने उसमें नकारात्मकता बहुत है, ऐसा क्यों? इसको बंद कर। घर में पूजा पाठ करने के बाद भी क्या नकारात्मकता है? मतलब दिमाग से शांत नहीं रहता है। इसको बंद कर। दिमाग शांत नहीं रहता है, हम अच्छा करना चाहते हैं, सबका अच्छा करते भी। घर में कौन कौन है आपके? मेरे दो बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है। तो आपकी पति पत्नी की अच्छी बनती है? मतलब अशांत सा जीवन है, कुछ अच्छा नहीं है। अशांत। हाँ। आप दोनों को कथा सुननी चाहिए, पति पत्नी को। जब आप दोनों नित्य कथा सुनेंगे, सत्संग से जुड़ेंगे, देखो यदि घर में प्रकाश करना है तो उसका उपाय आप बताइए क्या होगा? नहीं, घर में मेरे लड्डू गोपाल जी भी है, उनकी भी सेवा होती है। एक सवाल है छोटा सा, यदि किसी के घर में प्रकाश करना हो तो क्या करना चाहिए? भजन। केवल दीपक जलाना चाहिए, अंधकार है किसी के घर में और आप प्रकाश करना चाहते हैं तो दिया जलाने से उसका अंधकार मिट जाता है। उसी प्रकार से जो आपके जीवन की नेगेटिविटी है वह तभी मिटेगी जब आप पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, और पॉजिटिविटी कहाँ है? कथा में। तो जब कथा सुनेंगे तो सकारात्मकता प्रवेश करेगी, और जब अच्छाई चीज अच्छी चीज भरेगी तो बुरी चीज समाप्त हो जाएगी। नहीं, कथा तो जैसे हम YouTube पे आपका चैनल देखते हैं, वो सब सुनते हैं, वो भी पति को भी सुनवाइए। एक के ज्ञानी होने से कल्याण नहीं है, मैं ज्ञानी हो गया तो मेरा ही होगा, पर जो मेरे बगल में है उसे भी ज्ञानी होना चाहिए, अर्थात रास्ता पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए पति पत्नी दोनों के लिए गृहस्थ में सत्संग है। आप समझदार हो जाएंगी कथा से, आप सही रास्ते पर चलेंगी, पर पति तो गलत रास्ते पर ही है, उसे कहाँ से लाएंगे जब तक कथा नहीं सुनेगा, इसलिए गृहस्थ में दोनों। राधे राधे, बच्चों पर आशीर्वाद बनाए। बिल्कुल, दोनों कथा सुनिएगा, निश्चित आपका सब अच्छा होगा। गुरु जी राधे राधे। अब मुझे संसारिक वस्तु कोई नहीं चाहिए, सिर्फ भक्ति चाहिए। मेरे सनिक्याण में से छुआछूत का रोग है, वो कैसे दूर करूं? आपको रोग है? हाँ, छुआछूत का, 2 वर्ष ओट भी लग ली बिजली के। तो मेरे छुआछूत जैसा क्या रोग होता है, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। बार बार बर्तनों को धोना, बार बार कपड़े धोना, बार बार कोई अड़ गया तो धोना, और तो अभी गाय को भी, गौ में तो सब देवता विराजमान है, जो खूंटे बंदी गाय ना उसको तो रोटी दे दूंगी। तो जब आपको पता है कि आपकी ये आदत गलत है तो आप सुधार क्यों नहीं लेती? खूब प्रयास करती हूँ, प्रयास करती हूँ खूब, 3-3 दिन होते भूखी पड़ी रहती हूँ, रोते रोते। नहीं तो रोना और भूखे रहना बेचैनी ये समाधान नहीं है मैया जी। आपको हाथ धुलना चाहिए, एक बार धुल लिए, नहाना भी चाहिए, एक बार नहा लिए,
बाकी आपको ये पता हो कि आप शुद्ध हैं तो आप अपना जो काम कर रहे हैं उसको करते रहें। ये बीमारियाँ आपको पता है कि ये बीमारी है भाई, बीमारियाँ उसे कहते हैं जब आपको पता ही ना हो। अभी तो आपको पता है कि हम कहाँ गलत हैं। गफलत, शुरू शुरू में तो बहुत गफलत रहने लग गई थी, अब थोड़ी दवाइयों के सहारे से तो इतनी तो हिम्मत है जो मैं खड़ी हूँ। कथा सुनते रहिएगा और ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये आदत है, बुरी आदत है जिसे आपको छोड़ना। ऐसी क्या आदत है, मैं जो सब प्रयास करूँ, गुरु आपकी भी कथा सुनती हूँ, गुरु दीक्षा भी ले रखी है राधा स्वामी की। अब फिर कथा सुनते रहिएगा, ठीक होगा। हाँ, खुश रहे, ये आदत आपकी है तो सुधारना भी आपको ही पड़ेगा, ठीक है। मैं सुधार लूंगा तो मेरी सुधरेगी, आपकी तो सुधरेगी नहीं, इसलिए आपको सुधारना पड़ेगा। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मे श्री गुरुवे नमः। महाराज श्री के चरणों में दासी का बारंबार नमन। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। महाराज जी, आपने कथा के दौरान बताया था कि ये श्वेत 12 कल्प चल रहा है और ये 28वां कलयुग चल रहा है। आपने कथा के दौरान बताया था कि ये श्वेत 12 कल्प का 28वां कलयुग चल रहा है, ठीक है। तो 28वां कलयुग चल रहा है तो भगवान ने कहा था धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, तो उनके 24 अवतार ही क्यों हुए हैं? भगवान के अवतार केवल 24 नहीं है बेटा, अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। 24 अवतार तो मुख्य हैं, बाकी एक अवतार के भी अनेक अवतार हैं, एक समय पे अनेक अवतार हैं। अब जैसे राम जी के समय पर, जब राम जी 14 साल वनवास से वापस गए तो वहाँ अयोध्या जब पहुँचे तो राम जी तो एक थे और राम जी से मिलने वाली भीड़ कितनी थी, लाखों। तो राम जी ने जितने रूप वहाँ पर जितने लोग थे उतने रूप बना लिए और सबसे मिले, सबको ऐसा लगा पहले हमसे मिले, तो एक ही समय पे अनेक अवतार हो गए। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के जब ग्वालवाल बछड़े और ग्वालवालों को चुरा लिया ब्रह्मा जी ने, तो भगवान ने बछड़े ग्वालवालों का रूप बनाया उसी समय। तो भगवान के अनंत अवतार हैं, अनंत अवतार, हरि अनंत, हरि कथा, राधे राधे गुरु जी। हमारे लड्डू गोपाल का नामकरण भी कर दीजिए। तो अभी कर लेंगे, अभी बता दीजिएगा, दर्शन कराइएगा, फिर कर लेंगे, बैठ जाइए। भगवान का ही करना और जल्दी करना। राधे राधे गुरु जी। मुझे कोई प्रश्न नहीं करना, मैं आपसे बस बात करने के लिए यहाँ रुकी हूँ, क्योंकि मैं वृंदावन आई थी तो आपके दर्शनों से चूक गई। तो मैं भगवत देखती नहीं थी वैसे, मेरी बहन ने देखना स्टार्ट किया था, तब से मैं देखने लगी और सुना तो अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा आपको? जो आप बताते हो ना वो बहुत अच्छा लगता है सुनने, मन शांत हो जाता है। तो आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, आप जयपुर आए, आपने दर्शन दिए हमें। खुश रहिए, खुश, धन्यवाद, प्रसन्न रहिए।